हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू काबाई 360। आज हम रिव्यू करने वाले एक वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द ऑल न्यू जावा 42 बॉबर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ये बाइक जेन्युइनली एक वर्दी बाइक है और हम लोग आपके लिए मेहनत काफ़ी करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। सबसे पहला कलर ऑप्शन इसका मिस्टिक कॉपर। अब ये जो कलर है मुझे पर्सनली अच्छा लगा है। देखो, जावा पेराक से तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लग रहा है, बिकॉज थोड़ा ग्लॉसी फिनिश के साथ आ जाता है। अब इसकी प्राइस 2,06,500 रुपीज़ एक्स शोरूम, ऑन रोड 2,30,000 का दिल्ली में। अलग अलग सिटीज़ की यहाँ पर लिस्ट लगाया तो मेजर मेजर सिटीज़ की आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। बट बाइक्स में ना ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस होता नहीं, किसी भी शहर में ले लो 2,30,000, 2,35,000, 2,40,000 मैक्सिमम इसकी कॉस्ट आएगी। अब ये तो हो गया एक कलर, अभी स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा बट पहले कलर्स दिखा देता हूँ। दूसरा कलर आया था ये द वाइट वन, वाइट के साथ ब्लू स्ट्रिप्स आपको डेकल्स देखने को मिलेंगे। दिस इज अ सिंगल टोन, दिखने में ड्यूल टोन जरूर लगता है बट ये एक सिंगल टोन है। अब इसके पेंट जॉब की वजह से इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा, ज़्यादा नहीं 1,000 रुपये ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। 2,07,500 रुपीज़ इज द एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड अगेन वही 2,30 से 2,40 तक आपको मिल जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट सेक्सीएस्ट वन, दिस इज द वाइट एंड रेड ड्यूल टोन ट्रीटमेंट के साथ, जो पर्सनली मेरा फेवरेट कलर यहाँ पर बन गया है। दिस लुक्स एब्सोल्युटली रियली रियली गुड। अगर आप मूवीज़ के फैन हो, मार्वल मूवी के, हमने भी ऑफकोर्स देखी होगी, वैसे फ़ैन नहीं भी हो तब भी आपने अवेंजर्स एंड गेम देखी होगी, तो उनका जो यूनिफॉर्म का कलर है वो बिल्कुल सेम यही है, वाइट के साथ थोड़ा सा ग्रे टोन रेड और साथ में डार्क पूरा जो मैट ब्लैक फिनिशिंग जो है वो दी गई है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे जो ये बाइक का कलर है शायद बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब इसकी कॉस्ट 2,09,500 रुपीज़, अगेन 2,40,000 के आसपास मैक्सिमम इसकी ऑन रोड जाएगी, बिकॉज वही बाइक्स में ज़्यादा इंश्योरेंस या आरटीओ की टेंशन नहीं होती है। तो फिर भी आई थिंक अंडर 2.5 लाख में इससे बेटर लुकिंग बाइक आपको नहीं मिलने वाली। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आपका ओपिनियन डिफरेंट हो, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में, एटलीस्ट 2.5 लाख से नीचे। लेट्स सी किस गाड़ी को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पर। अब इंजन वाइज सिंगल सिलेंडर 334 सीसी का यहाँ पर आपको एक इंजन देखने को मिल जाएगा, 6-speed ट्रांसमिशन के साथ ये मेटेड है। एंड चलाने का जो राइड रिव्यू है वो तो किसी और दिन आपके साथ शेयर करेंगे, बट ओवरऑल मुझे इसके इंजन, जब हमने पराग भी चलाई है, ये भी चला के थोड़ी सी देखी है अभी, तो मुझे पर्टिकुलरली लगा है कि जब हाई रेव्स होते हैं तो थोड़ी नॉइज या साउंड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ओवरऑल इसकी रिफाइनमेंट फिर भी ठीक लगती है, बट इस इंजन की ओवरऑल खास बात मुझे ये लगती है कि जिस तरीके से इसका डिज़ाइन रखा गया है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्रोम फिनिशिंग मिलेगी नीचे की तरफ, ऊपर आपको ब्लैक डॉट दिखेगा, तो वो डेफिनेटली पसंद आएगा हर किसी को। अब आवाज़ से मेरा क्या मतलब है, चलो आपको इसका नोट जो है वो भी सुना देता हूँ एक बार, एक सेकंड रुको। ध्यान से सुनना, इस तरीके का इसका कुछ एग्जॉस्ट नोट है, बट ऑफ कोर्स देखो काफ़ी ज़्यादा लाउड हो जाता है, ये बात तो पक्की। और आपको ड्यूल टिप एग्जॉस्ट मिल जाता है, लेकिन उससे लुक जो है वो बहुत प्यारी आ रही है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट मैसेज, cmv360.com पे जाएं अगर आपको किसी भी कमर्शियल व्हीकल के बारे में डिटेल चाहिए, बिकॉज दिस इज द इंडियाज नंबर वन कमर्शियल व्हीकल पोर्टल। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट में, तो यहाँ पर आपको किस तरह का कोई DRL नहीं, बल्कि ये क्रोम स्ट्रिप की सिल्वर फिनिशिंग मिलेगी, और ये आपकी लो बीम, ये आपकी हाई बीम ऑन करके दिखा देता हूँ। बट मेजर चीज़ है इसका ये 42 का बैच, जो कि आपको सेंटर में देखने का लगेगा। हालांकि जो इसकी क्वालिटी है वो मुझे इतनी खास नहीं लगी, ये ऐसे ही निकल रहा है। एंड अगर हम इसके ओवरऑल फ्रंट लुक की बात करें तो इंडिकेटर्स डेफिनेटली आपको प्यारे लगने वाले हैं, बिकॉज ये एक सिग्नेचर स्टाइल है। इस तरह की बाइक्स में आपको राउंड जो इंडिकेटर्स मिल जाते हैं वो एक इस बाइक को की लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। इस तरह देखेंगे तो आप उसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख सकते हैं, टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन, बड़ी आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक देखने मिलेगी बाइबर की तरफ से। ऑफकोर्स 100x90 का 18 इंचेस की स्टाइलिश सीएट टायर्स की तरफ से आपको ये व्हील्स मिल जाते हैं, बट ध्यान रखें ये अलॉय व्हील्स नहीं है, यहाँ पर आपको यही डिज़ाइन मिलेगा चाहे आप जॉनसन वर्जी मॉडल ले लीजिए। बट इस तरह की बाइक के साथ आई थिंक ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, बाकी आफ्टर मार्केट अलॉय लगवा सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी ने इस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करना था तो ऑफकोर्स अलॉय व्हील्स दे थे तो 10-15 हज़ार तो कॉस्ट मिनिमम बढ़ी जानी थी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप दिल्ली एनसीआर एरिया से और आपको जावा की या फिर यसडी की कोई भी बाइक लेनी है तो डेफिनेटली इस नंबर पर कॉल आप ज़रूर कर ले, बिकॉज डीलरशिप अच्छी ना होना तो मज़ा नहीं आता, तो ये डीलरशिप बहुत अच्छी है और यहाँ पर आपको प्रॉपर सर्विस, ऑन रोड प्राइजेस और सारे फैसिलिटीज़ जो हैं वो पूरी मिलेंगी, और यहाँ पर सर्विस नेटवर्क भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो किस बात का वेट करें, इस नंबर पर कॉल ज़रूर करें अगर आपको जावा या एसडी की कोई भी बाइक लेनी है दिल्ली एनसीआर में।
इस तरफ देखेंगे तो रिफ्लेक्टर्स फॉर योर सेफ्टी प्रॉपर, इसका जो चैसी बिल्ड आप यहाँ प्लेटफॉर्म की बात करें तब भी आपको एक फुल बॉडी जो है वो रेडिएटर के साथ बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती है। उसका मेजर रीज़न ये कि इस बाइक को काफ़ी रेट्रो क्लासिक और बड़ी मैसिव लुक देने की कोशिश की है, तो बल्कि लुक के लिए डेफिनेटली इस चीज़ को भरा भरा रखना था। अब ये खाली खाली होता तो अच्छा लगना भी नहीं था। 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफकोर्स ऑटोमेटिक नहीं, मतलब 6-speed गियरबॉक्स है एंड सिल्वर फिनिशिंग यानी कि क्रोम पूरा काम आपको इस तरह देखने को मिलेगा। 334 लीटर्स का यहाँ पर आपको इंजन देखने को मिल जाता है विच प्रोड्यूसेस 30 PS ऑफ पावर एंड 32 Nm ऑफ टॉर्क। अब इस सेगमेंट में मुझे लगता है और इस तरह की बाइक के साथ दिस इज़ अ रियली गुड पावर। यू नो जिस तरह की इसकी ड्राइविंग, इसकी सस्पेंशन, इसकी सीट्स और ऑफकोर्स इसकी जो कम्फर्टनेस है उस हिसाब से मुझे पर्टिकुलरली लगता है, और ये बाइक का जो स्टाइल है आप इसको बहुत ज़्यादा तेज़ भगाने वाले नहीं हो। दिस इज़ अ कूल बाइक, सो यू आर गोइंग टू इन्जॉय द राइड ऑफ द जावा 42 बॉबर। अब जो चीज़ अभी तक मुझे जो नहीं अच्छी लगी वो थोड़ी सी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, वो मुझे लगता है कि थोड़ी सी और बेटर हो सकती, चाहे इसके लोगो वगैरह हो या इंडिकेटर की ऑप्शन हो तो वो थोड़ी सी बेटर होती तो डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा लगता। चलो अब आपको इसकी बाकी चीज़ें दिखा देते हैं। कीज़ इस तरीके की आपको मिल जाएंगी, बहुत ही मिनिमलिस्टिक एंड सिंपल सा डिज़ाइन है, जावा की बैजिंग है, और दिखाना ये चाहूँगा कि साइड पे की लगती है इस तरफ। यहाँ पर आपको इसकी की देखने को मिलेगी, यहीं से आप इसकी इग्निशन को कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉक करना तो आप यहाँ से करोगे। तो ये दो अलग अलग आपको ऑप्शंस हैं, ये आपको लॉक करने वाली जो ऑप्शन है वो मिलेगी इस तरीके से, अब ये लॉक हो जाएगी, अनलॉक यहाँ से करेंगे और इग्निशन इस तरफ है। तो ये डिफरेंट ही आपको मिलेंगे जो कि इस तरह की बाइक में हमेशा ही मिलती है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, लेट मी शो यू द फ्रंट कंसोल ऑफ दिस व्हीकल। इधर से अगर आप पास आएंगे तो आपको इग्निशन के यहाँ पर बटन्स देखने को मिल जाएंगे, इंजन ऑन ऑफ के ऑफकोर्स, तो किल स्विच आपको यहाँ पर मिलेगा, साथ में मिलेंगे आपको ये हैज़र्ड लैंप्स, आप इनको ऑन करके भी व्हीकल को चला सकते हैं, एंड साथ में ऑफकोर्स ये इसका पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा। इस तरफ आएंगे तो मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज़ USB पोर्ट्स, और एक नहीं बल्कि दो USB A पोर्ट भी है और USB टाइप सी पोर्ट भी आपको मिल जाता है। अभी iPhone यूजर्स के लिए डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, बिकॉज उनको अलग से वायर नहीं लेनी पड़ेगी, और फिर भी आपके पास दो दो ऑप्शंस हैं, दो दो पोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, विच मीन्स आप दो अलग अलग डिवाइसेस भी यहाँ लगा पाएंगे, एक चार्जिंग के लिए और एक नेविगेशन के लिए। इस तरफ सारे मेन्यू नेविगेशन, बिकॉज आपको डिजिटल क्लस्टर मिलता है, अभी आपको शो करूंगा। इंडिकेटर्स ऑफकोर्स, ये इसका हॉर्न और ये इसकी लाइट कंट्रोल्स, यानी कि हाई बीम, ये आपको लो बीम और ये पास देने के लिए। USB पोर्ट्स तो मैंने आपको दिखाई दी, अब इसकी स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। अब जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये कम्प्लीटली डिजिटल है और ये यसदी रोडस्टर से इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। लेट मी शो यू अच्छे से, हाँ दिस इज़ लाइक इट। सो यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स भी मिल जाएंगे, गियर है, फ्यूल है, ऑफकोर्स टाइम आपको दिख जाएगा, साइड स्टैंड की वार्निंग भी दिख जाएगी बिकॉज इसके बिना स्टार्ट होगा नहीं, और साथ के साथ आपको पूरा स्पीडोमीटर का डिज़ाइन भी। अगर आप इसकी मेन्यू नेविगेशन करेंगे तो आप सिर्फ ट्रिप मीटर ही चेंज कर पाएंगे, जो कि इस तरफ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ से आप इसका ट्रिप ए और ट्रिप बी को सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस बाइक की एक सबसे अच्छी चीज़ और एक सबसे बुरी चीज़ के बारे में। सबसे अच्छी ये है कि इसकी सीट हाइट बहुत कम है, 750 mm पे इसको लिटरली कोई भी चला सकता है, छोटी हाइट वाले के लिए बहुत ईजी है, और ऑफकोर्स ये थोड़ा कंफर्टेबल राइड हो जाती है, आपको ऐसे ज़्यादा झुक के नहीं करनी, आप बड़े आराम से इसमें बैठ पाते हो, और ऑफकोर्स आपको एक अच्छे हैंडल बार्स प्रॉपर हाइट मिल जाती है, पैर रखने में भी कोई दिक्कत नहीं आती, प्रॉपर साइड पे पैडिंग है, एंड सीट हाइट जो है वो बहुत बढ़िया रखेगी और इस तरह की बाइक को सूट भी करे और आई थिंक आपको भी सूट करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक बुरी चीज़ ये है कि सीट हाइट कम होने की वजह से और बाकी चीज़ें भी ये क्रैम्प्ड हो गई हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस के लिए जगह ही नहीं बची है, तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। स्पीड ब्रेकर, पॉट होल्स, इस बाइक को भाई 10 की स्पीड से नीचे ही निकालना, नहीं तो नीचे से हिट कर जाएगी। और आप इसको साइड स्टैंड को देखकर समझ सकते हैं, जितना छोटा सा जो साइड स्टैंड है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी ज़्यादा कम है, तो यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस 42 बॉबर का। अब इस तरफ देखेंगे तो आपको इसकी टूल किट और फर्स्ट एड किट की ऑप्शन मिल जाती है, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट फंसाना चाहो तो इसको खोल के फंसा पाओगे। नीचे की तरफ ऑफकोर्स इसको आपको ड्यूल टेप एग्जॉस्ट, यानी कि एक इस तरफ, तो यही इस बाइक की क्लासी लुक जो है उसको और मेंटेन रखता है। ऑफकोर्स आपको यहाँ पर चेन ड्रिवन सिस्टम मिलेगा, प्रॉपर आपको बिल्ड इसका सिस्टम मिल जाएगा यहाँ पर, ये प्लास्टिक बेस्ड है, मुझे पहले एलुमिनियम लग रहा था बट चेन कवर इसका प्लास्टिक में ही आता है। स्विंग आर्म तो ऑब्वियसली आपको इसके फ्रेम के साथ ही एलुमिनियम मिलेगी, बट उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सारा प्लास्टिक सपोर्ट करने के लिए दिया गया है। जो रियर टायर की ओवरऑल विड्थ है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्रोफाइल वाइज 140/70 R17, यानी कि 17 इंचेस के आपको पूरा ये डिज़ाइन मिलेगा, बट ऑफकोर्स नॉट अलॉयज अगेन, बट यही डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अलॉयज मुझे लगता नहीं कि 42 बॉबर के साथ अच्छे लगेंगे भी। इस तरफ देखेंगे तो आपको ऑफकोर्स इंडिकेटर राउंड जैसे कि फ्रंट में है, ब्रेक लाइट इस तरफ पिराक में यहाँ आती थी अंडर सीट, बट उसका एक नुकसान रहता था कि अगर आपने यहाँ कैरेज लगा लिया, कुछ सामान रखना चाहते हो, एक्स्ट्रा सीट भी लगा ली तो वो पूरी लाइट कवर हो जाती थी, तो वो सेफ्टी इतनी सही नहीं रहती, बिकॉज अब ब्रेक लगाओगे पिछले ड्राइवर को पता ही नहीं लगेगा, तो उस वजह से जो ब्रेक यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगा दी गई है, विच इज़ आई थिंक अ गुड स्टेप।
ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है ब्रेक लाइट। ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 7 स्टेप एडजस्टेबल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर होने की वजह से इसका ट्रैवल डिस्टेंस जो है वो कम हो जाता है, तो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। अगेन अगर इसको आप लॉन्ग राइड्स पे लेके जाना चाहोगे या हाई स्पीड पे चलाओगे तो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तो लगेगी, लेकिन बैठे इसके ऊपर कूल बहुत लगोगे, ये बात तो पक्की, थोड़ा एडजस्ट कर लेना मेरे यार। रियर साइड में भी आपको 240 mm की मिल जाती है प्रॉपर डिस्क ब्रेक। अब इसका सबसे चीज़ ये लगी इस बाइक की ओवरऑल कि ड्यूल चैनल ABS आपको मिलता है, फ्रंट में भी आपको ABS है, पीछे भी आपको ABS है, तो ये चाहे बारिश हो चाहे आपको हाई स्पीड्स पे हो, तो ये जो ABS सिस्टम होता है डेफिनेटली काफ़ी सेव करेगा। और ऑफकोर्स जिस तरह की इस बाइक का ओवरऑल शेप एंड साइज़ है, आपको ड्यूल चैनल ABS तो चाहिए ही था। वेट की यहाँ पर बात कर ही रहे हैं तो 175 kg का इसका कर्व वेट आता है, जिसको आई थिंक मैनेज करना इज़ रियली ईजी। अगर किसी की हाइट कम है, थोड़ा सा स्किनी भी है पर्सन, पावरफुल ज़्यादा नहीं है, तो वो भी हैंडल इसको ईजिली कर पाएगा। बट ऑफकोर्स दिखने में बात अगेन वही आ जाती है कि इसके ऊपर बैठा पर्सन बहुत ज़्यादा कूल लगता है। अब ओवरऑल अगर हम इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 14 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। रियल लाइफ माइलेज अराउंड 30 से ज़्यादा नहीं आएगी, दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील, बट डेफिनेटली इसका जब प्रॉपर राइड रिव्यू आएगा तो इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी। अब जो ये ओवरऑल सीट है मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, इसका लेदरेट फिनिश, इसका ये स्कूप्ड आउट एलिमेंट, बैक को सपोर्ट, और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। अब बीच में ग्रूविंग्स भी है तो ज़्यादा स्लिप नहीं होगी, और इस मटीरियल को देख कर या फील करके लगता है कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होने वाला। अब सस्पेंशन से जैसे मर्जी हो, लेकिन सीट के कुशनिंग और क्वालिटी में किस तरह के कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग। अब जावा 42 बॉबर के बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि ये दिखने में बाइक वेरी वेरी गुड, जो इसका इंजन है वो बहुत अच्छा रिलायबल और एक रिफाइंड इंजन के साथ आता है, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है थोड़ा सा लाउड मुझे लगा है, बट वो इस बाइक की पहचान को और बढ़ाता है। और इतना ही नहीं, ये 3 कलर ऑप्शंस लुक्स रियली रियली गुड, ये वाला मेरा कलर फेवरेट है। आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। कंफर्टेबल थोड़ी सी गाड़ी और हो सकती थी, ये जो बाइक है और थोड़ी और कंफर्टेबल होती तो डेफिनेटली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। अब आपने बताना है जावा 42 बॉबर के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर ले कार बाय 360 को इस तरह की अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, टिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, राइड सेफ, बाय बाय।